नाजरीन, सऊदी अरब में जहां बुरे पाकिस्तानी मौजूद हैं, वहां पर अच्छे और अखलाक वाले लोग यानी पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के बहुत चर्चे हो रहे हैं, जो बहुत तेजी से वायरल भी है, जिसमें पाकिस्तान की एक खूबसूरत इमेज भी वायरल है। इस वीडियो में पाकिस्तानियों की मेहनत और मोहब्बत पर सऊदी अरब के लोग बात कर रहे हैं। लोगों ने इन पाकिस्तानियों के बारे में बड़े दिलचस्प और मजेदार कमेंट्स भी किए, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के लोगों ने पाकिस्तानियों को दुआएं भी दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी 10 बंदों का काम अकेले में करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने किस तरह सऊदी अरब के शेखों के दिल जीत लिए। ये वीडियो देखकर यकीनन हम पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद हो जाएगा, और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों के बारे में वहाँ के लोग क्या राय रखते हैं, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इस पाकिस्तानी भाई की, जिसने अपने सऊदी अरब के दोस्त की शादी में उसे तोहफा देने के लिए उसकी तकरीब में शिरकत की। और सऊदी अरब के लोगों के हाँ ये रस्म है कि शादी के तहाइफ बड़े मजमे से निकलकर स्पीकर में ऐलान करके लोग ये तहाइफ पेश करते हैं। पाकिस्तानी ने जब अपने सऊदी दोस्त को तोहफा दिया और कहा कि मेरी तरफ से तोहफा है और आपको कसम है ये तोहफा मुझे वापस नहीं करना। पाकिस्तानी ने ये कसम इसलिए खाई कि वो जानता है कि कीमती तोहफा दे रहा हूँ तो सऊदी दोस्त कहेगा ये गरीब मजदूर परदेसी आदमी है, क्यों ना मैं इसको वापस कर दूँ। तभी पाकिस्तानी भाई ने पहले शर्त रखी और कसम खाई कि ये वापस नहीं करोगे। फिर सऊदी दोस्त ने इस पाकिस्तानी भाई का ये तोहफा बड़ी हंसी खुशी कबूल किया, और ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि लोगों ने इस पर हजारों की तादाद में कमेंट्स किए, और लोग इस पाकिस्तानियों के रिज़्क में बरकत की दुआएं भी करते नजर आए, और बहुत से लोग तारीफें करते हुए नजर आए, और किसी ने ये भी कहा कि ये पाकिस्तानी भाई, हम जानते हैं कि आपकी तनख्वाह बहुत कम होगी और आप इसके बावजूद भी इतने महंगे तोहफे दे रहे हो, हम ये दुआ करते कि अल्लाह ताला आपके साथ भी ऐसा मामला फरमाए। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब में मौजूद वो पाकिस्तानी लोग जो कई बंदों का काम अकेले में करते हैं। पहले वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। वज़्नहा अल्लाह इशला भादत पड़ेगा बिल्कुल बसाता मैं आज की। दोस्तों, इस वीडियो में साफ वाजे देखा जा सकता है किस तरह एक पाकिस्तानी फ्रिज उठाकर दूसरी जगह रखता है। इस वीडियो को देखकर आप यकीनन हैरान हो गए होंगे कि किस तरह एक पाकिस्तानी मुश्किल और मशक्कत वाला काम अकेला कर रहा है। ये वीडियो देखकर कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, लोग कह रहे थे कि सिर्फ खाली गत्ता है, इसमें फ्रिज नहीं है, और वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जा रहा है। इस तरह तो कोई बंदा फ्रिज उठा ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिज बहुत वजनी होता है। लेकिन बाद में कई लोगों ने कहा कि यह वाकई सच है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत सख्त जान वाले होते हैं। और इसके बाद सऊदी अवाम ने कई वीडियोस पाकिस्तानियों की दिखाई, बेशुमार ऐसी वीडियोस सामने आई जिसमें एक और जगह पाकिस्तानी भाई ने अपने कंधे पर एसी का आउटडोर रखा और फिर वो सीढ़ी लगाकर दीवार पर खुद चढ़ा और फिर इसी सीढ़ी को खुद उठाकर ऊपर ले गया और फिर इसी सीढ़ी को आउटडोर के बराबर करके आउटडोर एसी को फिक्स कर दिया। नाजरीन, यकीनन ये अकेले बंदे का काम नहीं था, एक और जगह तो पाकिस्तानी ने हद ही पार कर दी। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन नहीं करोगे कि पाकिस्तानी लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक सऊदी पाकिस्तानी के पास गया और मजाक के तौर पर उसे कहा कि मुझे अपने घर की छत पर जहाज ले जाना है, तो ले जाओगे? पाकिस्तानी कहता है कोई मुश्किल काम नहीं है, ले जाऊंगा। इसके बाद सऊदी ने एक बार फिर से पूछा, पाकिस्तानी ने कहा कि हाँ ले जाऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इस सऊदी शेख के पास वाकई में जहाज होता तो ये पाकिस्तानी सच में ले जाता, क्योंकि पाकिस्तानी लोग सब कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन पाकिस्तानी को सऊदी अरब में बहुत अप्रिशिएट भी किया कि पाकिस्तानी कौम मेहनत करने वाली कौम है, बस कुछ ऐसे गंदे और बुरे लोग आते हैं जो पाकिस्तान का इमेज आउट ऑफ कंट्री में खराब करते हैं, जिनमें कुछ हमारे अपने पाकिस्तानी भाई हैं तो कुछ अदर्स कंट्री के लोग हैं जो हमारी कंट्री का शनाख्त कार्ड और पासवर्ड इस्तेमाल करके हमारे मुल्क की बदनामी करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।